गाइस हम निकले हैं समुद्र की लहरों से टकराते हुए हमारी जुमांजी की ट्रिप पे, और देख सकते हो आप इन दोनों को मैंने खटीमा से पकड़ा है और हम निकल चुके हैं अपने नए सफर पे। और आप देख सकते हो हमारी लाइफ जैसी जिसमें एलआईसी का लोगो लगा है। बताओ यार वैसी हूँ यहाँ पर भी एलआईसी प्रचार कर रहा है। गाइस बने रहिए हमारे चैनल पे और आप देख सकते हो। कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो बोलो। अरे क्या बोल रहे हैं एडवेंचर के बारे में? एडवेंचर बहुत तगड़ा एडवेंचर है, बारिश में भी चैन नहीं है भाई। भाइयों हम कहते हैं जुमांजी की नेक्स्ट टीम जो आने वाली है उस पर हम रोल करने वाले हैं बिल्कुल। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और आपको दिखाएंगे हम समुद्रों की लहरें से टकराते हुए और बारिश की बौछारों से। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आपको हम कुछ दिखाने वाले हैं, यानी हम कहीं जा रहे हैं तो दोस्त आ रखे हैं, बस का सफ़र कराएंगे हमसे। अब तक हम स्कूटी में घूमते थे, आज बस में घूमेंगे। तो फिर आज जा रहे हैं नैनीताल, कभी गए नहीं दोस्तों के साथ। दोस्त बोल रहे थे चल घुमा के ले गया, तो हमने कहा चलो फिर इनकी ये विश भी पूरी की जाए। अभी थोड़ा बिजी हैं, अभी दिखाने आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इनसे। तो हमारे दोनों दोस्त हो गए हैं फ्री, ठीक है? तो आपको दिखाते हैं कौन कौन है वो। तो इसे तो जानते ही होंगे। वो जरा नीचे कर मंगा अपना। तो देख लिया ये हमारे चंदू भाई। अरे यार तुम कैसे भूमि की तरह बैठे बताओ यार, क्या बोले फिर भाई। तो आज कैसे नैनीताल जाने का प्लान बनाइए बताओ। अचानक भाई हल्द्वानी आ रहे थे और फिर प्लान बन गया नैनीताल। और चंदू भाई तू सेमी है? तो बताना किस काम से आया था तू? थोड़ा कॉलेज से हमें आया, कॉलेज से एलिमेंट आज ले आया। कॉलेज का नाम क्या है? ग्राफिक गिरा में भाई ने एडमिशन लिया है, बीसीए करेगा। और क्या करेगा बीसीए से आगे? फिर एमसीए। बताओ भाई ये वाले बीसीए एमसीए का तो हमने तो खाली और कुछ। चलो फिर आएगा सफर दिखाते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And चंदू भाई की तो हालत खराब हो गई कहते बिल्कुल। सबसे लास्ट में सीट मिली इसे बैठने के लिए और इसने चार बार उल्टी करी पता है बस में। चंदू भाई ने हमारे और एक ये तो कुछ कहो मत, पूरा रास्ता गंदा करते हुए आए हैं। हालत खराब हो गई इनकी कहते। कह रहे थे ये नैनीताल का गति अच्छा पड़ गया क्यों, एक तो बारिश हो रही है यहाँ पर। ये तो कोई उल्टी उल्टी नहीं हुई। सबसे ज्यादा नहीं मैं तो वैसे खाली इनकी बातों में झूठ बोल रहा है। दाल में कुछ खा रहा था यहाँ, कोई दाल खा लिया। ये चंदू काला नहीं है यार। चलो ठीक है यार, तुम्हें बहुत मजा आया चंदू? पता मजा आया कि नहीं? तू ऐसे खा लेगा भाई? देखो नया स्टाइल इसका, ऐसे खा रहा है। वो ऐसे हिल रहा था जैसे ये अभी हिल रहा है ना, ऑटो भी ऐसे हिल रहा था। मैं को बहुत हूँ अभी उल्टी
अभी उल्टी आ रही थी इसे सही हो गया। चंदू भाई का हमारा पेट नहीं भरा, एक्स्ट्रा मंगाया है ये एक और पल। ये है हमारे चंदू भाई। क्या है यार चंदू भाई, इतनी भूख लग रही है आपको? देखिए भाई क्या गया, पूरा फैला दिया गया प्याज कैसे खाते हैं। हेलो गाइस, तो हम पहुंच गए झीलों के शहर में और नैनीताल, और हमने खरीद लिए बड़ी वाली छाता और हम सोच रहे कि अब बोटिंग करें या ना करें क्योंकि बारिश हो रही है बहुत। तो हमारे दो साथी, एक का नाम चंदू और एक का नाम सोई, क्यों भाई? तो बड़ी वाली छाता देख रहे हो, अब तो दिख गई होगी यार बड़ी वाली छाता। तीन छाता से अच्छी हमारी एक ही छाता, ये देखो। और यहाँ का नज़ारा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या बारिश हो रही है। चंदू भाई हमारे खिंचा रहे हैं फोटो नैनीताल में आ गए, और सोहिल भाई फोटो खींच रहे हैं फोटोग्राफी। तो इन दोनों की फोटोग्राफी चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से, आप देख सकते हो कितना सटीक तरीके से ये शॉट ले रहे हैं। और चंदू का फोटो आया बेहद खूबसूरत, और आप देख सकते हो अरे मजा नहीं आया बिल्कुल, ये नकाब हटाओ। वैसे बता दें यहाँ पर अगर तुम्हारे फेस पे अगर मास्क नहीं मिला तो 5,000 का चलान है, इसलिए चंदू भाई ने मास्क हटाया नहीं डर के मारे, चलान के डर से। हाय हाय, नैनीताल में अभी हो रही है बारिश, और बारिश तो हो ही रही है, और हमारे चंदू भाई बहुत खुश हैं क्योंकि पहली बार आए हैं शायद, क्यों चंदू भाई? ये पहली बार आया, अरे थोड़ा लाउडली बोल यार। और एक हमारे हीरो, ये तो कभी वीडियो बनाने पे ही लगे पड़े हैं, उन्हें चाहिए रील। और हम नैनीताल की माल रोड पे घूम रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, खाली नाम का ये माल रोड। सोचे थे बोटिंग करें, लेकिन छाता हमारे पास एक ही है, और हम खड़े होके बोटिंग नहीं कर सकते, क्यों भाई? बोल रहे थे डिसबैलेंस हो जाएगा। हम निकले हैं समुद्र की लहरों से टकराते हुए हमारी जुमान जी की ट्रिप पे, और देख सकते हो आप इन दोनों को मैंने खड़ी मच पकड़ा है, और हम निकल चुके हैं अपने नए सफर पे। और आप देख सकते हो हमारी लाइफ जैसी जिसमें एल आई सी का लोगो लगा है। बताओ यार वैसे भी यहाँ पर भी LIC प्रचार कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, हम देख सकते हो आप कहाँ पर आ रखे हैं, नैनीताल की झील है, और हमें फील आ रहा है कि हम समुंदर पार कर रहे हैं। और ये है मौसम, ये मौसम और ये बारिश, ये बारिश का मौसम गाना बन गया। वाह यार क्या लाइन है भाइयों, देख सकते हो इन दोनों के बीच में हो रही है लड़ाइयाँ कि मैं चलाऊंगा या मैं आगे जाऊँ, दोनों में लगा पड़ा है। क्या दोनों साथ ही रही है? चंदू कह रहा है ये छाता मेरी है, और सोहिल कह रहा है ये छाता मेरी है, वो कह रहा है ये टोपी मेरी है, और वो कह रहा है मेरी है, कि भाई टोपी लेगा या छाता लेगा। अच्छे का दे दिया मैंने। तो चंदू कैसा लग रहा है फिर ये? अरे चंदू को मजा आ रखा है मौसम में, और तुझे कैसा लग रहा है? अरे पूरी फील आ गई भाई, बारिश में मजे कर रहे हैं भाई। यार लोग देखने वाले कहते हैं बारिश में भी चैन नहीं है इनको। सही बात। Knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I won't ever let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled. So cold outside, I'm alone, I'm alright. Guys, हमारे कुछ दोस्त हमें अभी मिले और कह रहे हैं क्या घूम रहे हो यार, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आना चाहिए था, और तुम तीन बच्चे ऐसे ही रोला कर रहे हो। तो अब हम जा रहे हैं उनसे मिलने, वो हमारे आगे आगे हैं और हम उनके पीछे पीछे, और चंदू हमारा तो साथ बैठा है बिल्कुल यार, कुछ बोल। और एक हमारा भाई ये देखो कभी हमें डायरेक्शन बता रहा है, लग रहा है कैसा लग रहा है फील आ रहा है कि हम भैंसी में किसी जहाज में हैं, क्यों? वाह यार मजा आ गया, मौसम का नजारा तो बेहद खूबसूरत है। और
तो गाइस हमें बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आप आइए ऐसे मौसम में और थोड़ा भीग जाइए। तो गाइस लाइफ जैकेट पहन के घूमे, बगैर लाइफ जैकेट के यहाँ पर गिर जाओगे तो लाश भी नहीं मिलेगी, बहुत गहरा है ये। अरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, भाई कह रहा है हमारे अरे हमारी टक्कर हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये भाई हमारे, क्यों भाई कैसा लग रहा है? भाई ने मौज कर दी और भाई की तबीयत खराब है और बारिश में भीग रहा है भाई, फिर भी देख रहे हो मौसम के मौसम के फुल मजे लिए जा रहे हैं। क्यों भाई फुल ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भाई, थैंक यू बारबी रॉकर्स। तो आप देख सकते हो भाई कितना अच्छा मौसम है और हम भीग रहे हैं, भले ही तबीयत खराब हो जाए लेकिन मौसम भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। भाई को ठंड लग रही है, वो गर्लफ्रेंड वाला क्या डायलॉग था भाई? ये गर्लफ्रेंड, भाई की गर्लफ्रेंड ये है। हमने जहाँ से नाव ली थी हम तो वो डायरेक्शन ही भूल चुके हैं कि नाव ले जाने का है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी नाव दिख रही है हमें, तो हमें ये नहीं पता है कि हमने किस जगह से नाव ली थी आगे। तो अब चलो भाई उधर साइड लगाओ और चलते हैं फिर नाव का ठिकाना देखने की नाव हमने कहाँ से ली थी। पर चन्नू तो यार नाराज हो गया ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि मेरी छील रहे हैं पूरी ब्लॉग में ऐसा लग रहा है। तो भाई को शायद डायरेक्शन का पता चल गया है कि नाव कहाँ से ली थी। तो हम अब चलते हैं। तो अब विशाल ने अपना चैनल मुझे दे दिया है, भले इसके कम फॉलोवर है कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़ा लेंगे जैसे तैसे ट्राई करेंगे, और बस सपोर्ट दिखाना इसके चैनल को। पर यह मेरा चैनल है उसका नहीं। देखो भाई हंस रहा है यार, मजाक में ले रहा है भाई। अब इसका मतलब वीडियो मैं बना रहा हूँ तो अब इसका चैनल मेरा, मैंने बात कर ली है इससे, आप बुरा मत मानना। 200 मिलियन में मैंने अपना चैनल भेज दिया है सुहेल भाई को। कोई बात नहीं, 200 मिलियन भी हो जाएंगे किसी दिन, वी विल सपोर्ट यू ब्रो। चन्नू को तो सही में ठंड लग रही है, ठंड लग रही है बताओ यार। तो दोस्तों जिंदगी में पहली बार लाइफ में, यानी कि लाइफ में पहली बार लाइफ जैकेट पहन रहे हैं हम, क्यों भाई बिल्कुल अजीब लग रहा है, सालों ऐसा लग रहा है सांस अटक गई है। अब तक हमें पता था कि सिर्फ मास्क से ही सांस अटकती है, अब तो सारी लाइफ जैकेट ही हमारी सांस अटका रही, तो क्या फायदा ऐसी लाइफ जैकेट का। वो भी LIC की है, वो भी LIC है, इंश्योरेंस इतने का देखते हैं, इंश्योरेंस तो मुझे होगा नहीं, पता नहीं क्यों भाई इंश्योरेंस होगा क्या, क्या देंगे यार 40 देती भाई बहुत है। तो गाइस देख लो मौसम का मजा तो कपस ले रहे हैं और हमारे तो क्या कहें भाई। चंदू बोल यार कुछ, चंदू यार ये नाकाम हटाइए और जरा चांद सा मुकड़ा जरा सुनील को दिखाइए, चंदू की तो डाणी हो रही है, डाणी में चंदू जैसे हो और ना हो। नाव से बाहर आ चुके हैं और पूरे H2O हो गए, यानी पानी से पूरे सर्वस्तर भीग गए हम। और देखो चंदू कह रहे हैं अब तो भीग गए हैं तो अब छाते की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई चंदू से हम यही कहना चाहेंगे कि हम दोनों छाता ओढ़ लेते हैं, चंदू भीगता रहेगा, ठीक है चंदू आप सहमत हैं इस बात से? अरे यार चलो ठीक है। हेलो गाइस, तो अब बीक के थोड़ी ठंड लग गई थी इसलिए अब पी रहे हैं हम कॉफी। वाह यार मजा आ गया बिल्कुल, चंदू को बहुत ठंड लग रही है, बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है इसलिए कॉफी पिलाई से
ताकि इसे गर्मी आ सके, क्यों भाई थोड़ी, और सुहेल भाई को भी ठंड लग रही है, ये तो हिल रहा है यार, देख सकते हो अगर गौर से अगर देखना चाहो, हिल रहा है भाई बहुत। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तो हम बस का इंतजार कर रहे हैं अभी और जाने वाले हैं हम घर, यानी हल्द्वानी यहाँ से। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाय बाय। चंदू उदास है यार।